हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम गार्डन। फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक है एनिमल डेकोरेशन इन माय गार्डन। आज मैं अपने गार्डन के लिए बहुत ही क्यूट सा एक एनिमल बना रही हूँ जो कि ज़ेब्रा है और बहुत ही इजी वे में बन जाएगा। वो हमारे बहुत ही घर की आम चीज़ों से, जैसे कि हम देख सकते हैं ये एक मेरे पास 4 इंची का पाइप है पीवीसी का, ये एल्बो है, एनिमल कलर्स ब्लैक एंड वाइट, वेस्ट कंटेनर, एपी की बॉटल, ब्रशेस हो गए, सीजर, मार्कर एंड ये मेरी एक कार का टायर है जो कि वेस्ट पड़ा था, इसको भी मैं इसी प्रोजेक्ट में यूज़ करूँगी। और ये सब रिसाइकल कर आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये और कितना प्यारा ये ज़ेब्रा बनेगा। तो आइए मिलकर बनाते हैं क्यूट सा ज़ेब्रा। अब हम बॉटल को कट कर लेते हैं। इसमें हमने आईज और ईयर्स की शेप बनानी है। ये मैं आईज ड्रॉ कर रही हूँ। आईज की शेप हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मोटी पतली चौड़ी या लंबी, जैसी भी आप चाहें आईज बना सकते हैं। इसको नीचे से थोड़ा पॉइंटेड करना है ताकि हमारी ये जो आईज का जो नीचे का हिस्सा हम जोड़ेंगे एल्बो से, वो उसके अंदर अटैच हो सके ईजीली। तो इसका हम नीचे से पॉइंटेड ही करेंगे और ईयर्स को भी हम पॉइंटेड कर लेते हैं ताकि ये भी ज़्यादा हमें एल्बो में कट ना करना पड़े, ये भी इजीली लग जाए उसमें। अब हम एल्बो में निशान लगा लेते हैं जहाँ पे हमने अपनी ईयर और आईज को लगाना है। अब एक हम नाइफ की हेल्प से इसको इतना होल करेंगे कि जो नीचे हमारे आईज की और ईयर्स की पॉइंटेड हमने नीचे चौड़ाई रखी है उतना हमारा इसके अंदर इजीली आ जाए, इतनी हमको इसमें चौड़ाई रखनी है। बहुत ही ध्यान से करना है फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही गर्म होता है और हमारी एल्बो बहुत हार्ड होती है तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इतना चौड़ा कट डाला है मैंने जिससे कि जो ईयर का नीचे का हिस्सा है वो इजीली इसके अंदर चला जाए और वो दूसरी तरफ से थोड़ा सा बाहर भी निकले, क्योंकि इसके बाहर निकले हुए हिस्से को ही हमने उसमें गर्म करना है चाकू से और उसको इसमें चिपकाना है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए आप, इसके अंदर ये इसका थोड़ा सा पार्ट बाहर आ गया है। अब हम फिर से इसको गर्म करके इस निकले हुए पार्ट को इसके अंदर अटैच करेंगे ताकि ये बिल्कुल पक्का हो जाए और चिपक जाए। अच्छे से चाकू गर्म करने के बाद अब मैं इसको इसमें पिघलाकर इसी में ही चिपकाऊंगी। बहुत ध्यान से करिएगा दोस्तों, ये काफ़ी गर्म भी होता है और बहुत जल्दी पिघलने की वजह से निकल भी सकता है, तो बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा हमको इसको। ये देखिए ये कान चिपक गया है, ऐसे सबको हमने चिपका लेना है। अब ये सब रेडी हो चुके हैं। अब हम इसका फेस आगे से बना लेते हैं इस कंटेनर के थ्रू, और इस कंटेनर को अच्छे से हमें अटैच करने के लिए फेविक्विक का यूज़ करना है। फेविक्विक से बहुत इजीली चिपक जाएगा और पक्का भी रहेगा। अब हमारी इस बॉडी को हम पीवीसी से अटैच कर लेंगे तो हमारी आगे की पूरी बॉडी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें पेंट कर लेते हैं। पहले मैं पूरी बॉडी पे ब्लैक पेंट कर रही हूँ, ऐसे ही मुझे टायर पे भी पेंट करना है।
अब इसी तरह से मुझे टायर में भी पेंट करना है और इसकी पूरी बॉडी पे भी। तो ये करने के बाद आप देख लिए पूरा सूख चुका है ये, इसको कुछ वक्त लगता है सूखने में। अब हम वाइट कलर का यूज़ करेंगे। अब हम वाइट कलर से इसकी पहले आईज़ और ईयर्स को बना लेते हैं, क्योंकि इसकी अंदर की डिज़ाइनिंग बनाने के लिए हमारा ये कलर भी सूखना ज़रूरी है। तो जब तक हमारा ये सूखेगा तब तक हम ज़ेब्रा लाइंस बना लेंगे पूरी। तो इसको पहले कंप्लीट करने के बाद ही हम ज़ेब्रा लाइंस बनाएंगे। अब हम इसकी स्ट्राइप्स बना लेते हैं। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये ऐसे बनने के बाद। ये इसकी मैं टंग का शेप दे रही हूँ, ये भी बहुत प्यारा सा लगेगा जब कलर पूरा हो जाएगा। तो ऐसे ही हम व्हाइट से इसमें ज़ेब्रा लाइंस देंगे और इसे कंप्लीट करने के बाद अच्छी तरह सूखने रख देंगे। अब ये पूरी तरह से सूख चुका है और आप इसका लुक देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आया है इसका। इसकी आईज देखिए कितनी क्यूट बनी है। टायर भी रेडी हो चुका है, अब इन दोनों को हम असेंबल करेंगे। इसके लिए मैं एक गड्ढा करवा रही हूँ और इसमें ही हमें अपने टायर को डालना है। हम इसको आधे से थोड़ा कम लगभग 8 इंच तक का गड्ढा करेंगे। हम उस 8 इंच के गड्ढे के अंदर हमारा टायर अंदर जाएगा, जिससे कि वो मजबूत भी रहेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इतना गड्ढा हम कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए इतना गहरा गड्ढा किया है, अब इसमें मैं टायर इजीली डाल सकती हूँ और पीवीसी पाइप की जो आगे की बॉडी है वो भी डल जाएगी। तो इसको सपोर्ट देने के लिए हम इसके साइड में थोड़े स्टोन्स लगा लेंगे, फिर इसके अंदर हम मिट्टी डालेंगे। इन स्टोन्स की हेल्प से ये बिल्कुल फिट रहेगा, कहीं भी इधर उधर से हिलेगा भी नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें स्टोन्स लगाएं। इसका एक बेस रेडी हो जाएगा। अब मैं इसके बॉडी का जो आगे का पार्ट है वो भी इसमें ही लगा दूंगी पीवीसी का। इसको भी हमने काफ़ी गहराई में लगाना है ताकि कभी भी ये हवा चले या कुछ भी हो तो गिरे ना। अब हम इसको मिट्टी से कवर कर देंगे पूरा, और मिट्टी में थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर डालेंगे जो गैपिंग है वहाँ पे। अब ये पूरा कवर हो गया है और आप देख सकते हैं मैंने इसको कितना डेकोरेट कर दिया है। लेडी बग लगा दिए हैं और कैटरपिलर भी लगा दिया है। तो मेरा ये कॉर्नर बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। पहले का मेरा प्लांटर बना हुआ है जो टायर का, ये भी बहुत प्यारा लगता है।
और जो मेरा ये टॉवर बना हुआ है पॉट्स का, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो मेरा ये जो गार्डन का कॉर्नर है, ये बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। और उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।